हेलो गाइस, मेरा नाम रविकांत है और कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड नॉलेज में आपका स्वागत है। सो आज हम चैप्टर 8 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे रीजनल एस्पिरेशंस का। सो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें सेपरेटिज्म एंड बियॉन्ड। इन 1989 सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स स्टार्ट। 1989 में क्या हुआ, जो सेपरेटिस्ट जो अलगाववादी होते हैं ना, जो देश को अलग करने की सोचते हैं, सो वो वाली पॉलिटिक्स यहाँ पे स्टार्ट होती है 1989 में। दे डिमांडेड अ सेपरेट नेशन, इन्होंने डिमांड करा कि जो जम्मू कश्मीर है इसको एक अलग से कंट्री बना दिया जाए, जो कि ना तो इंडिया में मर्ज होनी चाहिए और ना ही पाकिस्तान में मर्ज होनी चाहिए। इसके बाद एक दूसरा ग्रुप आया, वो चाहता था कि जो कश्मीर है इसको पाकिस्तान में मर्ज कर दिया जाएगा। इसके साथ में जो कुछ लोग यहाँ पे जाते थे कि जम्मू कश्मीर को ग्रेटर ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाए, लेकिन इसको कुछ विशेष अधिकार पहले से दिए गए थे अंडर द आर्टिकल 370, बट इनकी डिमांड थी कि इसको और ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट टॉपिक है पंजाब। सो 1980s का जो डिगेड है इसमें पंजाब में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए, चेंजेस आए। अकाली दल फॉर्मड इन 1920, जो अकाली दल ग्रुप है, जो सिख कम्युनिटी का ग्रुप है, वो 1920 में बना था। अकाली केम टू पावर इन 1967 एंड 77। जो अकाली ग्रुप थे ये 1967 एंड 1977 में इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन दोनों टाइम में जो इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी वो गठबंधन की सरकार बनाई थी, कोलिजन गवर्नमेंट। सो द कांग्रेस गॉट मोर सपोर्ट। सो जो कांग्रेस थी इनका ज़्यादा सपोर्ट था दलित लोगों में, जैसे हिंदू और सिख कम्युनिटी में, एज कंपैरिजन टू अकालिस उनका भी था, लेकिन उनका इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं था जितना ज़्यादा कांग्रेस का था उस समय। ड्यूरिंग द 1970 में क्या हुआ कि जो अकाली ग्रुप है इन्होंने डिमांड करा पॉलिटिकल ऑटोनॉमी का, कि इनको और ज़्यादा विशेष अधिकार दिए जाएं। सो अ रेजोल्यूशन पास्ड, एक रेजोल्यूशन को पास किया गया 1973 में, जो अनंतपुर साहिब में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। सो इसमें कुछ डिमांड्स थी, वो क्या क्या डिमांड्स थी। रीडिफाइन सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप, कि जो सेंटर और पंजाब स्टेट के रिलेशनशिप हैं वो किस तरह के रिलेशनशिप है, इसको फिर से डिफाइन किया जाए, इनकी ये मांग थी पहली। दे डिक्लेयर्ड इट्स गोल, इन्होंने डिक्लेयर करा कि जो सिख कम्युनिटी है इनका ही बोलबाला होगा, मीन्स टू से इनकी हैजमनी होगी, ठीक है ना। हैजमनी क्या होता है कि इनका ही दबदबा होगा, ठीक है। सो द रेजोल्यूशन वॉज मोर स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म, मतलब कि जो सिख कम्युनिटी है इनका जो एक संघ है उसको और ज़्यादा मजबूत करना, ठीक है। सो इट कुड ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड फॉर अ सेपरेट सिख नेशन। सो जो सरकार है वो इसको एक अलग कंट्री के रूप में देखती है, ठीक है। जो सिख कम्युनिटी है इन्होंने एक खालिस्तान अलग कंट्री बनाने की मांग भी करी थी। सो ऐसे में क्या हुआ, जो सेंटर स्टेट है उसने यहाँ की जो सरकार थी उसको डिसमिस कर दिया और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया था, प्रेजिडेंट्स रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया था। सो इसके साथ अब बहुत ज़्यादा वायलेंस हुई थी, कैसे। सून द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट, जो लीडरशिप यहाँ पे अकाली में थी यानी कि लीडरशिप, वो चेंज होके एक्सट्रीमिस्ट में चलेगी। एक्सट्रीमिस्ट कौन होते हैं, जैसे कि उग्रवादी टाइप होते हैं, ठीक है ना, चरमपंथी। एंड टुक टू फॉर्म ऑफ आर्म्ड रेबिलियन, इन्होंने क्या करा कि हथियार उठा लिए इन्होंने। सो इन्होंने जो अपना हेडक्वार्टर्स था वो किसको बनाया, गोल्डन टेंपल को, जो अमृतसर में है, और वहाँ पे बहुत सारे हथियार इन्होंने रख दिए थे, ठीक है। सो जून 1984 में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया। सो वहाँ पे पंजाब में जो अमृतसर में इन्होंने अपनी आर्मी भेजी सरकार ने। सो जो आर्मी वहाँ पे गई थी इन्होंने फ्लश आउट कर दिया मिलिटेंट्स को, मीन्स टू से जल्दी ही इन्होंने वहाँ पे कंट्रोल पा लिया था। बट यहाँ पे कुछ फायरिंग हुई थी, सो फायरिंग में जो टेंपल है ये, इसको थोड़े से नुकसान हुआ था, डैमेज हुआ था। सो ऐसे में जो सिख कम्युनिटी है उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था कि हमारे यानी कि टेंपल को इन्होंने डैमेज करा है। सो ऐसे में जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था उनको और ज़्यादा पावर मिल गई थी, क्योंकि जो सिख लोग थे वे तो सरकार के अगेंस्ट हो गए थे और ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के साथ जुड़ चुके थे। सो
प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी 31 अक्टूबर 1984 को। जब वो अपने घर से बाहर निकली तो उनके ही बॉडीगार्ड ने उनके ऊपर गोलियां चला दी थी। द बॉडीगार्ड्स वर टेकिंग, जो बॉडीगार्ड थे वो तो बदला ले रहे थे ब्लू स्टार ऑपरेशन का। ऐसे में क्या हुआ कि दिल्ली और मैनी पार्ट्स ऑफ नदरन इंडिया में वायलेंस, बहुत ज़्यादा हिंसा हुई सिख कम्युनिटी के खिलाफ। 2000 से ज़्यादा सिख को मार दिया गया था दिल्ली में। मैनी सिख फैमिली, बहुत सारी सिख फैमिली ऐसी थी कि जिनके घर में एक भी मेल मेंबर नहीं बचा था। इन 2005 प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, जब कांग्रेस सरकार आई थी वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब उन्होंने पार्लियामेंट में जो इतनी सारी किलिंग हुई थी इनके किलिंग्स के जरिए इन्होंने अफसोस जताया था और देश से माफ़ी भी मांगी थी इन्होंने। रोड टू पीस, नेक्स्ट टॉपिक, आफ्टर द डेथ। इंदिरा की डेथ के बाद राजीव गांधी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने थे। जुलाई 1985 में क्या हुआ, राजीव गांधी ने एग्रीमेंट साइन करा हरचंद सिंह लौंगोवाल के साथ। हरचंद सिंह लौंगोवाल कौन थे, जो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त पंजाब के, उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन करा था। क्या एग्रीमेंट था, पंजाब एग्रीमेंट इसको बोला जाता है या राजीव लौंगोवाल एग्रीमेंट इसको बोला जाता है। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है कि फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स ब्रिंगिंग पीस, कि पंजाब में शांति लाई जाएगी, ये पहला स्टेप था इसमें। इसमें ये भी एग्रीमेंट, सहमति हुई थी कि जो चंडीगढ़ है ये पंजाब को दे दिया जाएगा। थर्ड, कि एक अलग से कमीशन बिठाया जाएगा जो कि पंजाब और हरियाणा में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, जो सीमा विवाद चल रहा है, उसको सॉल्व किया जाएगा। जुडिशरी वुड बी सेट, जुडिशरी को भी बिठाया जाएगा टू डिसाइड द शेयरिंग, जो रावी और ब्यास नदी के पानी को लेके जो वॉर चल रही है पंजाब हरियाणा और राजस्थान में, इसको भी जुडिशरी के द्वारा सॉल्व किया जाएगा इस मैटर को। एग्रीमेंट ये भी हुआ था कि उस वक्त जो भी लोग अफेक्टेड हुए थे उसको उनको मुआवजा मिलेगा, ठीक है। पीस डिड नॉट कम ईजिली, जो शांति थी वो इतनी आसानी से नहीं आई थी। जो साइकिल ऑफ वायलेंस, हिंसा थी, ये हौली हौली काफ़ी सालों तक ऐसी चलती रही थी। अलायंस ऑफ अकाली दल, जो बादल सरकार थी, एंड बीजेपी, इन दोनों में गठबंधन हुआ था 1997 में और इन्होंने बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की थी। बाद में फिर इनकी सरकार वहां पे बनी थी। इसी के साथ सेकंड चैप्टर फिनिश हो चुका है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।